वो चले गए साहब? नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी में थे ना तो बंदर जाना पड़ता है सामने, तो फिर काटना पड़ता है। नहीं मैं ये पूछ रहा था, मोबाइल को सर्विलेंस में क्यों लगाता है? मोबाइल को सर्विलांस में लगाने का रीजन होता है कोई सस्पेक्टेड आदमी जिसके ऊपर भारत सरकार की कोई एजेंसी शक करती हो, उसका मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता है, या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। नहीं नहीं, ये सर्विलांस में आपने लगाया कि भारत सरकार लगाया? आप तो कह रहे थे हमने लगाया करके। और तो हमारे ऊपर तो अपराध हो रहा था ना, तो हमने शिकायत की ना तब लगा। तो ये आप जब लगाया, इससे पहले नहीं लगा हुआ था कि आपने लगा? आपने जब लगाया तभी लगा? और जब पांच जब तक वो लगा, जब तक कोई कॉल आई नहीं उनके पास। तो इसका मतलब उस कुत्ते आदमी को ये पहले से ही पता था कि मोबाइल सर्विलेंस में लग गया। नहीं नहीं, हमारा कैसे लगा वो पूछ रहा हूँ ना, हमारा आपने लगाया कि पहले से लगा हुआ था? तो हमने कंप्लेंट दी ना आपकी, हमने ये कंप्लेंट की कि मुझे जो धमकी मिल रही है वो इस फॉर्म से मिल रही है। हमारा पुलिस, हाँ इस फॉर्म से मिल रही है और इस फॉर्म के करने से मिल रही है। अगर मैं इस फॉर्म को फोन करता हूँ तो मैं जिस आदमी से बात करना चाहता हूँ वो फोन नहीं उठाता, कोई और उठाता है जो मुझे धमकी देता है। तब लगा था। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हमारा मोबाइल भी सर्विलांस में लगाया? हाँ जब लगाया था। तो उससे पहले नहीं लगा हुआ था? पहले से लगा हुआ था, अभी ये डिटेल नहीं आई है, उन्हें बताया नहीं है अभी इस बारे में। लेकिन आपका आपके मैं तो बहुत मेजर तो 4 साल से लगा हुआ है सर्विलेंस में, तो आपने दोबारा कैसे लगा दिया उसको? मतलब कितना सर्विलेंस है, कहाँ कहाँ लगता है? हमारा 3 साल से सर्विलेंस में लगा है, तो आपने कहाँ कौन से सर्विलेंस में लगाया वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस में लगवाया था जी। अच्छा अच्छा, ये जो जो कंप्यूटर से डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस नहीं पकड़ पाती इसको। हाँ तो आपका गोरख धंधा बड़े कारनामे से चल रहा है कहीं से? अच्छा अच्छा, हाँ तब मेरे को कुछ उल्टा लग रहा है। जैसे इसमें जो मोबाइल सर्विलेंस में लगता है, इसका दो कारण है। हाँ, एक तो अपराधी को पकड़ने के लिए, एक पैसा खाने के लिए। अपराधी को जब पकड़ने के लिए लगता है, मेरे बात को सुनो बाद में हंसना। जब अपराधी को पकड़ने के लिए लगता है तो उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि इसके मोबाइल सर्विलेंस में लगा है। तो मेरे को कुछ उल्टा लग रहा है। जैसे इसमें जो मोबाइल सर्विलेंस में लगता है, इसका दो कारण है। एक तो अपराधी को पकड़ने के लिए, एक पैसा खाने के लिए। अपराधी को जब पकड़ने के लिए लगता है, मेरे बात को सुनो बाद में हंसना। जब अपराधी को पकड़ने के लिए लगता है तो उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि इसके मोबाइल सर्विलेंस में लगा है। मेरे को कुछ उल्टा लग रहा है। जैसे इसमें जो मोबाइल सर्विलेंस में लगता है, इसका दो कारण है। एक तो अपराधी को पकड़ने के लिए, एक पैसा खाने के लिए। अपराधी को जब पकड़ने के लिए लगता है, मेरे बात को सुनो बाद में हंसना। जब अपराधी को पकड़ने के लिए लगता है तो उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि इसके मोबाइल सर्विलेंस में लगा है। अरे पता ही लग गया तो फिर क्या फायदा? हाँ, और जब पता लग गया सर्विलेंस में लगा है और आदमी से बोलता है कि सर्विलेंस में लगा है, इसके मतलब पैसे खाने के लिए लगाया हुआ है। अरे पता ही लग गया तो फिर क्या फायदा? हाँ, और जब पता लग गया सर्विलेंस में लगा है और आदमी से बोलता है कि सर्विलेंस में लगा है, इसके मतलब पैसे खाने के लिए लगाया हुआ है। आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? आपके मोबाइल का रीजन ये बताया उसने जो इंचार्ज था सर्विलेंस का, कि कोई प्रभावी आदमी या तो किसी या बहुत अच्छे प्रभाव वाला हो, वो आदमी केवल आपकी आईडी कोई क्लोनिंग करके अपने लेवल पे करा रहा है। तो मान लो पैसे खाने के लिए कर रहा होगा, क्योंकि हमको मालूम पड़ रहा है ना सर्विलेंस लगा है करके। 3:58 पे कॉल आई मुझे। हाँ, तो मैं उठ गया था नहाने धोने के लिए। हाँ, मैंने देखा, मन का ये तो वही नंबर है। हाँ,
तो सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। माँ की बहनी शुरू हो गई और उसने फोन काट दिया। तो उसने फोन काट दिया तो हमने तुरंत 100 नंबर पे कॉल करा दी कर दी। तो वो जो जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर है आपके पास? हाँ है, बताएंगे जरा नंबर है ना उस नंबर से मेरे मोबाइल में कभी आया कि नहीं आया। अच्छा अच्छा चलो 00 1 2 6 3 5 हाँ और जी 2 1 3 2 500 हाँ ठीक है। तो लैंडलाइन का नंबर है? लैंडलाइन का नंबर नहीं है। हाँ हाँ लैंडलाइन लैंडलाइन का नंबर है और ये पंजाब हरियाणा साइड का कहीं का है। दूसरा +91 एक मिनट +91 10 10 1125 1125 ये तो पुलिस वाला का नंबर है, क्राइम ब्रांच का। ये क्राइम ब्रांच का नंबर है? हाँ हाँ। कहाँ की क्राइम ब्रांच का? यही कहीं की भी हो सकता है। 34 मिनट पे तो इसको तो मैंने खूब गालियाँ दी बहन के लोड़े को। 00 हाँ 96 हाँ 659 659 596 हाँ 9479 ये क्राइम ब्रांच का नंबर है? ये क्राइम ब्रांच का नंबर है। हाँ अच्छा, ये जितना आईएसडी कॉल है ना ये सब आईएसडी नंबर है ना? आईएसडी नंबर सब क्राइम ब्रांच का है। हाँ लेकिन नंबर तो गलत है, वो कैसे लग गया? ये तो आईएसडी नंबर है ना? नहीं मेरी बात हुई है इस पे। तो इसमें पैसा खूब काटा होगा आपका? नहीं पैसा भी नहीं काटा। हरियाणा साइबर सेल का जो इंचार्ज था उसका मेरे पास फोन आया। मैंने वकील से पूछा था, वो बोलता है साइबर सेल इंडिया में हजारों है, वो कहाँ भी देके आपको मोबाइल में लगा सकता है, बोलता है। और सब जगह ऐसे करने का राइट भी है बोल रहे हो? नहीं उसका राइट जब है ना, जब सामने वाला उसको क्रिमिनल नजर आ रहा हो वैसे थोड़ी लगा देगा। एक ने किसी ने फोन कर दिया तो वो लगा देगा है ना, वो कोई थोड़ा जान पहचान होगा, ये कंप्लेन लिख के वो उधर सेटिंग करके लगा देगा उसका।